दोस्तों एक अमेजिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में देखें हम लोग सिंपल से 775 मोडो का स्पीड को कंट्रोल करेंगे यूजिंग आर्डिनो जॉयस्टिक। ये वाला देखिए पकड़ने में लाइक जॉयस्टिक जैसा होता है, गेमिंग जॉयस्टिक जैसा होता है। इसको अब अगर ऐसे प्रेस करते हो तो मोटर एक डायरेक्शन पे रोटेट करता है, ऐसे प्रेस करोगे तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। सिर्फ दोस्तों डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता, इससे आपका स्पीड भी कंट्रोल होता है। सपोज देखिए मैं इसको ऊपर में प्रेस कर रहा हूँ, अभी देखिए धीरे धीरे इसका पीस इंक्रीज हो रहा है। ये रहा फुल स्पीड, ठीक है। अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, इसको भी बैक पोजीशन पे करते तो देखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे भी रोटेट करेगा एंड देखिए स्पीड भी कंट्रोल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा चीज़ आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या पास लगता है, आर्डिनो पे क्या कोडिंग होता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए पहले आपको चाहिए एक आर्डिनो ऊनो एंड उसके साथ ऑब्वियसली चाहिए एक आर्डिनो ऊनो का कॉर्ड, आप चाहे तो आर्डिनो नैनो भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए एक L298 मोटर ड्राइवर बोर्ड, ठीक है। ये वाला ड्राइवर बोर्ड मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ इस मोटर को पावर देने के लिए। उसके बाद चाहिए आर्डिनो जॉयस्टिक, ठीक है। ये जो जॉयस्टिक का स्पेशलिटी है दोस्तों ये फॉरवर्ड में भी होता है एंड मतलब दो एक्सिस पे, ठीक है। ऐसा एक्स में होता है, ऐसा वाई में होता है। अभी दोस्तों हम लोग वो मोटर का स्पीड के लिए एक ही एक्सिस चाहिए तो हम लोगों ने बस एक्स एक्सिस पे इसका टेस्टिंग किया, ठीक है। आप चाहे तो इसमें दो मोटर कनेक्ट कर सकते हो, एक्स एंड वाई बोथ एक्सिस के लिए, ठीक है। उसके साथ आपको चाहिए कुछ जम्पर्स केबल बस एंड एक एडेप्टर। तो अभी मैं इधर पे देखिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडेप्टर यूज़ कर रहा हूँ मोटर को पावर देने के लिए। बाकी ये मोटर रेटेड है आपका 5 एम्पियर के लिए, तो थोड़ा कम स्पीड मिलेगा। तो चलिए कनेक्शन का पहले मैं बोलता हूँ। तो पहले देखिए दोस्तों इधर पे बहुत सारा आपको पिन मिलेगा जहाँ पे हम लोगों को ये वाला पिन अटैच करना है। इधर पे देखिए पहले अटैच आपका GND वाला पिन ग्राउंड, उसके बाद 5 वोल्ट का, एक्स एक्सिस का वेरिएबल वाला पिन, वाई एक्सिस का वेरिएबल एंड स्विच का एक इधर पे ऐसा एक ऑन ऑफ स्विच आ रहा है जिसका प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों को बस चाहिए ग्राउंड वाला, 5 वोल्ट वाला एंड एक्स एक्सिस का पिन, ये तीनों चीज़ें। बाकी ये दो पिन आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग इसमें बस ऐसा डाल देंगे, एंड एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। तो ये वाला पिन आप कनेक्ट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें से ये जो तीनों आप हम लोगों का आता है वायर, जहाँ पे देखिए मैंने योलो से कनेक्ट किया, योलो, उसके बाद आपका ऑरेंज रेड, ठीक है। तो हम लोगों का आर्डिनो में भी सेम कनेक्शन करना पड़ेगा। योलो जाएगा ग्राउंड पोजिशन पे, मतलब इधर पे 5 वोल्ट के नीचे वाला ग्राउंड पे, एंड आपका ऑरेंज जाएगा 5 वोल्ट पिन पे। तो ऐसा सिंपल सा कनेक्शन होगा। उसका दोस्तों रेड वाला जो है वो हम लोगों का एक्स एक्सिस का है, तो वो हम लोग A0 पिन पे डालेंगे, मतलब कि आपका एनालॉग जीरो वाला पिन पे। और ये हम लोग ग्राउंड वायर को निकाल देते, तो हम लोगों का ये जॉयस्टिक कनेक्टेड हो गया आर्डिनो ऊनो के साथ। उसका दोस्तों ये L298 ड्राइवर बोर्ड को हम लोगों को करना पड़ेगा इसके साथ कनेक्ट, जिसके लिए बस हम लोगों को चाहिए दो वायर मोटर के कनेक्शन के लिए। ये वाला जो ड्राइवर बोर्ड है इसके एकदम फास्ट में जो दो पिन रहता है उसको हम लोगों को करना पड़ेगा कनेक्ट। एंड दोस्तों और एक बात, इधर पे ये दोनों पिन इनेबल रहेगा एंड ये पिन भी इस पर डाला हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट डाल देंगे आर्डिनो का 5 और 6 पोर्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हो 5 और 6, आप कोई भी डिजिटल पिन यूज़ कर सकते हो जहाँ पे PWM वाला फंक्शन हो, ठीक है। इधर पे मैं 5 और 6 नंबर वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग का ये भी कनेक्टेड हो गया है। अभी हम लोगों को आर्डिनो को पावर देने के लिए मैं डायरेक्ट लैपटॉप से ये वाला केबल का इस्तेमाल करूँगा, मगर ये बोर्ड को अलग से पावर देना था, जिसके लिए हम लोगों को 12 वोल्ट का अलग से सप्लाई चाहिए, जिसके लिए मैं ये वाला सप्लाई यूज़ करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा कि ये पहले वाला जो आपका पोर्ट है इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, सेकेंड में ग्राउंड का, एंड इधर से और एक वायर निकाल के हम लोगों को आर्डिनो का ग्राउंड को भी एक साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। इधर पे देखिए मैंने ग्राउंड पोर्ट पे दो वायर कनेक्ट किया है, एक हम लोगों का ये वाला जो आर्डिनो का ग्राउंड सेक्शन में जाएगा, एंड सेकेंड जो वायर है वो हम लोगों का एडाप्टर का जो कोकोडाइल वाला पिन है नेगेटिव का, उसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और बाकी ग्रीन वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे इसका 12 वोल्ट पॉजिटिव से लेके ये कोकोडाइल का पॉजिटिव के लिए।
तो दोस्तों देखिए, मैंने जब पॉजिटिव को भी कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी है। अभी हम लोगों को बस ये दोनों पिन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मोटर के साथ। बाकी दोस्तों ये ड्राइवर बोर्ड से आप चाहे तो दो मोटर को कंट्रोल कर सकते, एक साइड में ये वाला और एक साइड में ये वाला यूज़ करके। मगर हम लोग अभी वन मोटर को कंट्रोल करेंगे, तो इस मोटर का पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भी मैटर नहीं है। बस इसका मोटर का दोनों वायर आप ये वाला दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आर्डिनो यूनो को कनेक्ट करना पड़ेगा लैपटॉप के साथ, एंड इसमें हम लोगों को कोडिंग को अपलोड करना पड़ेगा। तो बस ऐसे कनेक्ट कीजिए। दोस्तों आप इधर पे पूरा कोडिंग देख सकते हो, जो कोडिंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, उधर पे जाकर आपको ये पूरा कोडिंग देखने को मिल जाएगा। कोडिंग बहुत ही ज़्यादा छोटा एंड एकदम सिंपल है। तो ये कोडिंग पे देख सकते हो दोस्तों, हम लोगों ने एकदम पहले जो जो पोर्ट हम लोगों ने यूज़ किया आर्डिनो में वो सभी डिटरमाइन कर दिया। लाइक आपका जॉयस्टिक में A0, PW1, PWM2 में पोर्ट को डिफाइन किया है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, पिन मोड को आउटपुट हम लोगों ने दे दिया क्योंकि आउटपुट है। उसके बाद हम लोग देखिए, ये वॉइड लूप से एक्चुअल का हम लोगों का कोडिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, एकदम पहले देखिए हम लोग जो जॉयस्टिक है उससे जो एनालॉग का जो वैल्यू है वो ले रहा है, जहाँ पे हम लोग का एनालॉग जॉयस्टिक वाला आ रहा है। हम लोग देखिए एनालॉग रीडिंग ले रहा है जॉयस्टिक से, एंड उस रीडिंग के बिना पे हम लोग मोटर को पावर दे रहा है। जितना हम लोगों को रीडिंग मिल रहा है उतना ही मोटर को पावर जा रहा है। ठीक है, तो इधर पे देखिए, ये वाला है आपका फॉरवर्ड मोशन के लिए और ये वाला है आपका बैकवर्ड मोशन के लिए दोनों। उसके बाद अगर कुछ भी प्रेस ना किया जाए तो एकदम 0-0 दोनों है। 0-0 का मतलब है मोटर आपका बंद रहेगा। ठीक है, सिंपल सा कोड है। कोडिंग कोड का डिटेल्स मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों कोड अपलोड करने के बाद आपको बस पावर देना होगा इस सर्किट में। पावर देने के बाद ही आप जैसा जॉयस्टिक को प्रेस करेंगे उसी से मोटर काम करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसका मतलब सिस्टम है। एंड दोस्तों इसके बाद हम लोग इसको वायरलेस करने की कोशिश करेंगे। ये वाला तभी वायर कनेक्शन हुआ जहाँ पे जॉयस्टिक की मदद से हम लोग इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं एंड डिरेक्शन को भी, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों। तो इसको ही हम लोग वायरलेस में कन्वर्ट करेंगे एंड आगे का वीडियो में आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए।